डॉक्टर सही, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सीसीई क्या, जो सीबीएसई की स्कीम है वो क्या है? सीबीएसई में जो कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन की स्कीम है, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत सीबीएसई ने अपने एफिलिएटेड स्कूल्स में लागू की है। वास्तविकता ये कि पहले से ही हमारे स्कूलों में कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन 8 क्लास तक लागू था। इस स्कीम को हमने 9th और 10th में आगे और लागू किया है। इस स्कीम के अंतर्गत हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस स्कीम को। एक तो वो स्कीम है जिसमें कि वो बच्चे जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अगर वो सीबीएसई सिस्टम को छोड़ना चाहते हैं, कहीं दूसरे सिस्टम में जाना चाहते हैं, तब वो बच्चे बोर्ड के एग्जाम में अपीयर करेंगे। अगर कोई बच्चे 10th तक हैं के स्कूल में पढ़ रहे हैं तब वो बच्चे बोर्ड के एग्जाम में अपीयर करेंगे। लेकिन अगर बच्चे स्कूल चेंज नहीं करते, सीबीएसई सिस्टम को चेंज नहीं करते, तो वो स्कूल बेस्ड एग्जाम देकर 10th से 11th के लिए जा सकते हैं। इस स्कीम की जो विशेष बात है वो ये है कि इसमें, जैसे कि इसके नाम से विदित है, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, लगातार इन बच्चों का मूल्यांकन हमारे द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसमें हमने स्वायत्तता जो है वो स्कूल टीचर्स को दी है और स्कूल टीचर्स दो फॉर्मेटिव और एक समेटिव, ये 9th क्लास का शेड्यूल होगा, इसी तरीके से 10th क्लास का शेड्यूल होगा, दो फॉर्मेटिव और एक समेटिव एग्जाम के साथ हम इनका इवेल्यूशन करेंगे। इस इवेल्यूशन में हम बच्चों का जो एकेडमिक एरिया है उसी को इवेल्यूएट नहीं करेंगे, बल्कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उन को करिकुलर एक्टिविटीज को भी इसमें उनका मूल्यांकन। डॉक्टर सैयद, सीबीएसई इस स्कीम को किस तरीके से लागू करने की सोच रही है? मतलब जैसा कि आपको विदित होगा, हमने इस स्कीम को बनाने और लागू करने से पहले बहुत मास लेवल पर जाकर लोगों के जो विचार थे इसके बारे में जाने थे। हमने बहुत सारे अध्ययन इसमें किए थे और उन अध्ययनों के परिणाम के उपरांत हमने ये तय किया कि हमको इस स्कीम को अपने स्कूल्स में लागू करना चाहिए। अब इस स्कीम को लागू करने के लिए मुख्य बात जो है वो ये है कि इस स्कीम को सही रूप से लागू किया जा सके। इसके लिए जरूरी ये हो गया कि जितने भी स्टेक होल्डर इस फील्ड के हैं उन सब लोगों को इस स्कीम के बारे में पता हो, इस स्कीम के क्रियान्वयन के बारे में पता हो, इस स्कीम के जो विभिन्न पहलू हैं उनके बारे में पता हो, जिससे कि सही रूप से इस स्कीम को स्कूलों में लागू किया जा सके। उस परिपेक्ष में सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम टीचर्स को ट्रेन करने का किया। हमारे लोग जाकर टीचर्स के पास जाकर एक नियत स्थान पर बहुत सारे स्कूलों को बुलाकर और बाकी लोगों को लेकर हम लोगों ने उनको ट्रेन किया, सीसी के बारे में बताया, स्कीम क्या है। हमने पेरेंट्स को जागरूक किया, हमने टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी जागरूक किया कि वास्तविकता में ये स्कीम क्या है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। इसके अलावा हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि विभिन्न स्तरों पर जाकर हम जो है बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को दोबारा से बताएं, अगर कोई उनकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको इस स्कीम के बारे में बताएं और उनको जागरूक करें कि सही रूप से इस स्कीम को इस तरीके से लागू किया जाना है।